राजस्थान में भारत बंद ने कई क्षेत्रों में हलचल मचा दी है। सीकर शहर में जाट बाजार से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के लोग पहुंचे और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही सीकर के ग्रामीण इलाकों में भी भारत बंद का प्रभाव साफ देखा जा रहा है। कलेक्टर के आदेश के बाद सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों की स्थिति असमंजस में है। कुछ दुकानों को बंद कराया गया है जबकि कुछ खुली भी हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोग रैलियों के माध्यम से दुकानों को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान सीकर में भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज एससी/एसटी समाज के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है। आज वो दिन है जिस दिन भारत बंद है। आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं वो बंद है। आज इसका मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। सीकर की बात करें तो सीकर में जो जाट बाजार है वहां से लेकर कलेक्टर सर्किल तक जो है समाज के लोग है वो पहुंच रहे हैं और कलेक्टर के नाम वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। वे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सुबह से ही जो है जो इसके विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं और अभी जो है मैं दातारामगढ़ क्षेत्र में हूँ। दातारामगढ़ क्षेत्र में सारे गाँव के लोग इकट्ठा हुए हैं और अभी लगभग 4 किलोमीटर की विरोध यात्रा के बाद वो एलजीएम कार्यालय पहुंचेंगे। एलजीएम कार्यालय से वो उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देंगे जहाँ पे वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन में इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है इसे वापस लेने के विरोध को ज्ञापन देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोग सांकेतिक रैलियां निकालने के बाद उपखंड स्तर पर एकत्रित हो रहे हैं। डीजे और नीले झंडे के साथ वे एसडीएम कार्यालय तक पहुंच रहे हैं। सभी एसडीएम कार्यालयों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है जो विरोध की गंभीरता को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SC/ST आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी SC/ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है। कुछ जातियां जैसे कि सीवर सफाई और बुनकर का काम करने वाली जातियां अधिक पिछड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राज्य सरकारों को SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन करने का अधिकार दिया है। इसी फैसले के विरोध में SC/ST समाज ने भारत बंद का आह्वान किया है। लोकल 18 के लिए सीकर से राहुल मनोहर की रिपोर्ट।